हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता दयाल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ कुक डिलीशियस की एक न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम बनाएंगे साबुत अमचूर से बनी मीठी सौंठ। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपने शादी ब्याह वगैरह में देखा होगा, जब भी हम जाते हैं तो आप इस चटनी को दही बल्ले के साथ, गोलगप्पों के साथ, ब्रेड पकौड़ों के साथ और समोसे के साथ बहुत खाकर इंजॉय करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इसका टेक्सचर कितना सुंदर आया है, इसका कलर कितना अच्छा है और जितना ही देखने में सुंदर है उससे ज्यादा ही खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो मैं आपको वही सारी टिप्स देने वाली हूँ जैसा कि आपने बाहर की मार्केट की जो सौंठ देखी होगी, जो जैसे बनती है, वही सारी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मीठी सौंठ बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले यहाँ पे साबुत अमचूर। ये देखिए साबुत अमचूर है, ये आपको मार्केट से किसी भी जनरल स्टोर से या किराने की दुकान जिसे हम बोलते हैं वहाँ से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये लगभग 50 ग्राम है। तो इसको हम सबसे पहले रात भर इसको सोप करके रख देंगे। इसको अच्छे से वॉश करके इसको मैंने रात भर एक गिलास पानी के अंदर इसको भिगो कर रखा है। इससे क्या होता है कि ये अच्छे से फूल जाती है और पानी इसके अंदर अच्छे से सोव हो जाता है। और इसके बाद हम इसको करेंगे पानी में 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको ढक्कन से ढक दें और 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक इसको पकने दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी अमचूर है, जो साबुत अमचूर है, ये पक चुका है। लगभग इसको 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको दबा के दिखाती हूँ, ये देखिए गल चुका है। और इसको अब हम पानी में से निकाल कर मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। और फ्रेंड्स, जो ये पानी बचा है इसको आप फेंके नहीं, इसको मैंने ग्लास में हटा कर रख दिया है थोड़ा, क्योंकि मैं इसको जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं गोलगप्पे बनाऊंगी, मैं इसका गोलगप्पे बनाने का जो पानी होता है उसमें इसको यूज किया जाता है पानी को खट्टा करने के लिए। तो आप इसे ना फेंकें, और अगर आपको वहां यूज नहीं करना तो जब हम अपनी सौंठ बनाएंगे तो इसमें अगर और एक्स्ट्रा पानी की जरूरत होगी तो हम यही पानी यूज कर लेंगे। तो ये जो अमचूर है इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बारीक पेस्ट की तरह बिल्कुल ये हमारा पिस चुका है अमचूर, इसका फाइन पेस्ट हमने बना लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो सिंपल पानी ले लें, आप चाहे तो जो उसका पानी बचा था वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिला लें जिससे कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए। फ्रेंड्स, अब इस पेस्ट को हमको छानना है। तो या तो आप कपड़े में छान लें, या इस तरह से मैंने छन्नी ली है, कोई भी ऐसी छन्नी आपके पास हो तो आप इसको इसमें डालकर इसको चम्मच से अच्छे से छान लें। और देखिए इस तरह मैंने छान लिया है, और ये जो इसका, ये देखिए जो थोड़ा डस्ट जो इसमें से वेस्ट बचा था वो मैंने इस तरह से हाथ से इसको निकाल लिया है। तो अब जो हमारा पेस्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है एक चम्मच सौंफ और एक छोटी चम्मच मैंने लिया यहाँ पे साबुत काला मिर्च, और दो ली है मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है एक चम्मच जीरा। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से ड्राई होने तक भून लेंगे। हल्का भूनना है, बस एक मिनट तक बहुत है। और ये देखिए हमारी सभी चीजें भुन चुकी हैं। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके इसको इसका पाउडर बना के हम रख लेंगे। ज्यादा फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है, थोड़ा इसको दरदरा ही रखें। फ्रेंड्स, अब इसी पैन में हम अपना जो हमारा अमचूर का जो पेस्ट बना था हम इसको इसमें डाल लेंगे इस तरह से।
फ्रेंड्स अब मैंने ऐड किया है इसमें 50 ग्राम चीनी और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 50 ग्राम गुड़। तो ये दोनों चीजें डाल लेंगे और इसमें हम इसको मेल्ट होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मीठी सोट है इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैंने इसमें डाला है ये 1 चम्मच सूखा हुआ सोट का जो पाउडर होता है ना, जो सूखा जिंजर जो होता है, जो उसका पाउडर होता है, वो मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। उसके बाद यहाँ पे डाला है मैंने 1/2 चम्मच काला नमक और थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून सफेद नमक। फिर डाला है मैंने यहाँ पे ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन सभी चीजों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ ही हम डाल देंगे जो मसाला हमने दरदरा जो पीस के तैयार रखा था अपना, काली मिर्च, सौंफ, जीरा और इलायची का, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जब उसका दरदरा पेस्ट बनाए तो जो इलायची के छिलके हैं आप उसे निकाल दें। और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा चंपई कलर, ये कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको ये सोट ऐसे ही पसंद है तो आप चंपई कलर ना डालें, थोड़ा उससे इसका लुक अच्छा हो जाता है, इसलिए सिर्फ मैंने 1 चुटकी ये इसमें डाला है। और साथ में डाला है मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मगज, जो हमारे खरबूजे के बीज होते हैं, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इन सभी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है अच्छी, हमारी थिक हो चुकी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो ये हमारी मीठी सोंठ बनकर रेडी है। मैं आपको इसको एक बाउल के अंदर दिखाती हूँ डालकर। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया जो हमारी मीठी सोंठ बनकर रेडी हुई है, बहुत जबरदस्त लग रही है देखने में और खाने में बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो साबुत अमचूर की जगह आप अमचूर का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो साबुत अमचूर है इसका टेस्ट बिल्कुल बढ़िया आता है, इसलिए मैंने साबुत अमचूर की यहाँ पे सोंठ बनाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें और आप भी ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई रेसिपी जो आप मेरे से बनवाना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। तो हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, सो बाय बाय एंड टेक केयर।